हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी में कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा, तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ इजी सा बनाऊं, क्योंकि भूख भी बहुत ज़ोर से लगी है और मैं चाह रही हूँ कि ऐसा कुछ हो जो जल्दी जल्दी से बन जाए। तो आज मैं आपके लिए यही कुछ ऐसी ही रेसिपी लेके आई हूँ जो आपको गर्मी के दिनों में बहुत ही काम आने वाली है। बिल्कुल नेचुरल वीडियो है, विदाउट एडिटिंग। तो मैं एक अलग तरीके से आज वीडियो बना रही हूँ, उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो मैंने इसके लिए आप देख रहे हैं कि टोस्टर को तैयार कर लिया है, क्योंकि मेरा गैस पे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो मेरे पास पड़ी है थोड़ी सी गोभी, मैंने बनाई थी और दिन में मैंने इसके परांठे बनाए हैं, और थोड़ा सा ये मसाला मेरे पास बचा हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा मसाला है। तो थोड़े से मसाले के अंदर मेरे को भूख भी लगी है और मैंने बनाना भी है, तो इस मसाले को मैं डाल लेती हूँ एक प्लेट के अंदर। लेकिन ये तो बहुत थोड़ा है, इससे तो बनेंगे नहीं टोस्ट, कुछ और देखा जाए। फ्रिज में पड़ा है थोड़ा सा सैलेड, और इस सैलेड को भी काट के बीच में डाल देते हैं। इसके अंदर खीरा है, थोड़ा सा प्याज भी है, थोड़ा टमाटर भी है, सारी चीज़ों को बीच में मिक्स कर देते हैं, काम भी आ जाएगा और टेस्ट भी अच्छा बन जाएगा। इस तरह से कुछ कट कर लेती हूँ। बस मुझे ये है कि मेरे को आज रोटी नहीं खानी, और भूख भी मेरे को लगी है। बहुत ही इजी गर्मी के अंदर बहुत ही इजी कुछ चाहिए होता है। तो ये मैंने जो खीरा टमाटर प्याज जो भी पड़ा था ना, सब इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, ये भी खत्म। ये भी खत्म। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें डालती हूँ मोज़ेला चीज़। ये मैंने फ्रीजर में से निकाला है मोज़ेला चीज़, थोड़ा सा ये भी डाल देंगे फ्लेवर के लिए, फ्लेवर अच्छा हो जाएगा थोड़ा। अगर कम है तो और प्याज टमाटर आप काट सकते हैं, बट मेरे को सफिशियंट लगा है, इतना सफिशिएंट है। इसको ऐसे ही पैक करके बीच में रख देती हूँ, बाद में काम आएगा। तो अब फ्रीजर से निकालते हैं ब्रेड जो पड़ा है, ब्राउन ब्रेड, काम आएगा ब्रेड भी। मैं अक्सर ब्राउन ब्रेड ही यूज़ करती हूँ। लगा लेती हूँ सॉस, थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। ये मैंने लगानी है सॉस थोड़ी सी, और इसमें मुझे कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोज़ेला चीज़ में ऑलरेडी नमक है, और जो मैंने सैलेड इसके अंदर डाला ना, उसके अंदर भी ऑलरेडी नमक है, कुछ भी एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से दोनों ब्रेड के बीच में डाल लेती हूँ। चाहे तो बटर लगा सकते हैं बीच में, बट मैं ज़्यादा बटर का यूज़ नहीं करती। ब्रेड में मैंने सारा का सारा इसके अंदर मसाला जो है कंप्लीट डाल दिया, तो ज़्यादा मसाले वाला मेरे को बहुत टेस्टी लगता है। और इस तरह से आप देख रहे हैं मैंने तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं बनाने में। थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाल लेती हूँ, हल्का सा, ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करी, थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है। और ब्रश कहाँ है, ब्रश के साथ इसको फैला लेती हूँ ऑयल को। ठीक है, इसके अंदर रख देते हैं स्लाइस। देखा ना इतना इजी हो गया, बस अब ये देखो ये काफ़ी। मैं फिर से बटर निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा फ्लेवर बटर का जो है ज़रूरी है, बहुत अच्छा लगता है। बस ऐसे ही अपना इसके अंदर मैंने बटर डाल दिया,
फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छा है। कर देते हैं इसको बंद। चलो अब मेरा काम खत्म। जब तक मेरा टोस्ट तैयार हो रहा है तब तक मैं सामान को ऐसे ही रख देती हूँ। सारा सामान यहाँ से साफ पड़ा रही। दो मिनट हो गए हैं मैं इसको देख रही हूँ। आप देख रहे हैं इसके ऊपर ग्रीन लाइट जो है वो जल गई है, तो मतलब ये टोस्ट हमारा तैयार है। वो ऑफ कर देते हैं। बहुत 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 अच्छा, आप देख रहे हैं कि टोस्ट कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। तो मेरे को आज बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ बनाने का, और मैंने सोचा कि तो इजी कुछ बनाया जाए और आप लोगों के साथ शेयर भी किया जाए, क्योंकि गर्मी सबको लगती है और सबके ही काम आने वाला है ये। इस तरह से मैं थोड़ा सा इसको कट कर देती हूँ ताकि इजीली खाया जाएगा। आप देख रहे हैं ये मेरा जो टोस्ट है कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। बहुत टेस्टी, बहुत ही अच्छा। तो मैं इसको एंजॉय करूँगी। बहुत अच्छा सॉस के साथ। ये भी मैंने सॉस रख दिया थोड़ी सी प्लेट में ही, सॉस के साथ अब इसे मैं खाऊंगी। तो चलिए इसे एंजॉय करते हैं, आप भी इसे एंजॉय करें। ऐसे ही बनाएं, गर्मी के अंदर मन नहीं है कुछ करने का, तो ऐसे ही कुछ छोटा मोटा बहुत जल्दी जल्दी से 2-4-5 मिनट में बनाएं और एंजॉय करें। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।